म्यूचुअल फंड सही है, ये तो हम सालों से सुनते और सीखते आए हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में भी कई तरह के फंड्स होते हैं? और नहीं, मैं लार्ज कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड फंड कैटेगरीज के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। हेलो, मैं हूँ गौरी एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव म्यूचुअल फंड्स। इस वीडियो में मैं एक्टिव फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड्स के बीच के बड़े डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगी, जिससे आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। पहले बात एक्टिव फंड्स की। नाम से ही समझ में आ गया होगा, एक्टिव फंड्स मतलब वो फंड्स विच आर एक्टिवली मैनेज्ड, और इन्हें मैनेज करने के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर्स होते हैं। यानी आपके म्यूचुअल फंड का पैसा कहां पर लगेगा, कब स्टॉक खरीदना है, कब एग्जिट करना है, ये सारे डिसीजंस फंड मैनेजर ही लेते हैं आफ्टर कंसिडरिंग मार्केट्स की इस समय ट्रैजेक्टरी कैसी है। एक्टिव फंड्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है, मार्केट से बेटर रिटर्न देना। इन फंड्स का पोर्टफोलियो मोस्टली एक थीम पर बेस्ड होता है और सारे इन्वेस्टमेंट्स उसी थीम के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्विटी फंड्स एंड डेट फंड्स। बेस्ट एक्टिव फंड चूज करने के लिए आपको उस फंड का रिटर्न और रिस्क दोनों देखना होगा। रिस्क जानने के लिए लुक एट फंड्स शार्प एंड स्टैंडर्ड डिविएशन रेशियोज, एंड फॉर रिटर्न्स लुक एट इट्स CAGR रिटर्न्स और अल्फा रिटर्न्स। टू मच हो गया। अ सिंपलर वे टू इन्वेस्ट इज वाया पैसिव फंड्स। बचपन में आपने वो नकल उतारने का गेम तो जरूर खेला होगा, मतलब जैसे सामने वाला कर रहा है आई विल ऑल्सो डू द सेम। पैसिव फंड्स डू द सेम थिंग। पैसिव फंड्स उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो किसी बेंचमार्क इंडेक्स में प्रेजेंट है। इन्वेस्टमेंट्स उतने ही प्रोपोर्शन में किया जाता है जितना कि इंडेक्स में स्टॉक का वेटेज है। मतलब निफ्टी इंडेक्स फंड सभी निफ्टी 50 स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करता है, इसलिए रिटर्न्स भी इंडेक्स के बराबर मिलता है। मार्केट्स में बहुत सारे पैसिव फंड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड्स जो कि निफ्टी, गोल्ड और मिड कैप इंडेक्स एटसेट्रा को फॉलो करते हैं। देन देयर आर ETFs, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एंड नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड्स एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो आपके लिए बेस्ट क्या है, ये डिसाइड करने से पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड को पहले से डिसाइड करना होगा। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है, सबसे पॉपुलर पैसिव फंड्स यानी कि इंडेक्स फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपके घर में आटा, दाल और राइस। अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं तो यू कैन स्टार्ट विद इंडेक्स फंड्स, और अगर आप कई दिनों से इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी इंडेक्स फंड्स आर अ गुड लॉन्ग टर्म एसेट, बिकॉज ये आपके पैसे को मार्केट्स का वाइड एक्सपोजर देता है, बट साथ ही साथ मार्केट के उतार चढ़ाव से भी बचा कर रखता है। अब स्टॉक्स के साथ इंडेक्स फंड्स लेना इज सुपर इजी, ऑल्सो फ्री ऑफ एनी चार्जेस। डाउनलोड अब स्टॉक्स ऐप टुडे एंड इन्वेस्ट राइट, इन्वेस्ट नाउ। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अब स्टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.